बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेस तो ये जो पांचों हेड्स ऑफ इनकम है इसको जब हम एड करेंगे तब हमें जो टोटल मिलता है दट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम एंड ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसमें से हम डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए को लेस करते हैं तो ये जो डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए है उसमें कौन से ऐसे डिडक्शन आते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे एटी के सारे सेक्शन है तो हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट के लिमिट्स भी बताऊंगा तो लास्ट तक बने रहे ताकि आपको ये जो डिडक्शन का कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाए तो चलते हैं स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं अबाउट द डिडक्शन तो अभी हम सबसे पहले हमारे डिडक्शन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो हमारा डिडक्शन है दैट इज ए अगर हम ए की बात करें तो ए में यू हैव टू रिमेम्बर टोटल फोर टू फाइव पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो दैट इज एल प्रीमियम तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एल प्रीमियम पेड सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट इन एनएससी या इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ भी बोल सकते हैं एनएससी इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड तो हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी एफ दैट इज दोविडेंट फंड फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज टूशन फीस फोर्थ पॉइंट इज टूशन फीस ऑफ टू चिल्ड्रंस ठीक है काफी पॉइंट uh, है लेकिन उसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट वी आर डिस्कसिंग और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है दैट इज प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन तो पॉइंट क्या है प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन सो दीज आर द फाइव पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर अंडर दिश एंड दस्ट डिडक्शन इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है और वो है आपका मैक्सिमम लिमिट तो मैक्सिमम लिमिट आपको याद रखना है ज्यादा तो से ज्यादा कितना डिडक्शन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा आपको वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का डिडक्शन मिलेगा उससे ज्यादा आपको डिडक्शन ए के सेक्शन में नहीं मिलेगा आई होप कि आपको पहला सेक्शन क्लियर है जो हमारा सेकेंड सेक्शन है दैट इज एटी ट्रिपल सी सेक्शन नंबर टू कौन सा है हमारा है हमारा सेक्शन नंबर है ट्रिपल ट्रिपल सी सी अगर हम ACCC की बात करें तो एटी ट्रिपल सी है इन्वेस्टमेंट इन पेंशन प्लान तो क्या है आपका सेक्शन सी है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन पेंशन प्लान तो पेंशन प्लान में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपका सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन पेंशन प्लान ऑफ एल आई सी तो इन्वेस्टमेंट इन पेंशन प्लान ऑफ एल आई सी यहां पे भी आपको क्या याद रखना है मैक्सिमम लिमिट कितना है नाउ द कंडीशन इज इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो हमारा ए टी सी है एटीसी के साथ जो हमारा ए टी ट्रिपल सी है इन दोनों का कंबाइंड लिमिट है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड नॉर्मली हमारी गलती क्या होती है हमारी गलती ये होती है कि हम एटीसी का लिमिट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड कंसिडर करते हैं है. ऐसा नहीं करना है एटीसी एंड एटी ट्रिपल सी दोनों का मिला के जो कंबाइंड लिमिट आपका होगा दैट होल कंबाइंड लिमिट इज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इट इज नॉट थ्री लैख तो आपको ध्यान रखना है एटीसी प्लस एटी ट्रिपल सी दोनों का कंबाइंड लिमिट आपका बनेगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड उससे ज्यादा डिडक्शन आपको एटी एंड एटी ट्रिपल सी में नहीं मिल सकता है तो कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो फर्स्ट हमने सेक्शन पढ़ लिया एटी सेकंड है हमारा एटी ट्रिपल सी थर्ड जो हमारा सेक्शन है दैट इज एटी अभी एटी की बात करें तो दैट इज मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम तो ध्यान से समझना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है क्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम तो वॉट एवर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम यू आर पेइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट कैन बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अभी इसमें एक रूल याद रखना है आपको अगर आप ये जो कैश में पेमेंट करोगे मतलब मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो आपको इसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा नो डिडक्शन ठीक है सबसे सिंपल तो इट शुड बी इट शुड बी पेड बाय चेक इट शुड नॉट बी पेड बाय कैश कैश में अगर पेमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा चेक uh, में पेमेंट करोगे तो आपको इसका डिडक्शन मिलेगा अभी इसमें आपको दो लिमिट्स याद रखनी है लिमिट लिमिट ए नंबर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो लिमिट नंबर वन क्या है लिमिट नंबर वन है आपका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो नॉर्मल पर्सन के लिए और अगर सीनियर सिटीजन रहेगा तो सीनियर सिटीजन जिसका उम्र एटी ईयर से सिक्सटी ईयर से ऊपर है तो नॉर्मली इनकम टैक्स में सिक्सटी इयर्स का एज मानते हैं सीनियर और अगर अस्सी साल से ऊपर जाएगा तो उसको हम सुपर सीनियर सिटीजन भी कहते हैं तो इफ वी आर हैविंग सीनियर सिटीजन देन अगेन वी विल बी मतलब टोटल आपकी फिर सीनियर सिटीजन के लिए पचास हजार की लिमिट बन जाएगी ठीक है नॉर्मल पर्सन के लिए कितनी लिमिट है

एटी डी के बाद अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट को तो फोर्थ जो डिडक्शन है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है एटी डबल डी अब ध्यान से सुनना इसके साथ और एक सेक्शन भी आपका कवर हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट तो ऐसा कोई पर्सन जो हैंडीकैप है और वो एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है Maintenance of handicap, dependent. तो तो जो भी रहेगा वो वो होना चाहिए और वो के ऊपर होगा तो ऐसे केस में deduction मिलेगा अभी सबसे important criteria इसमें ये है फोर्टी परसेंट से अगर नीचे का डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन नहीं मिलता है तो आपको जो क्वेश्चन में परसेंटेज लिख के आएगा इफ इट इज लेस देन फोर्टी परसेंट डिसबिलिटी नो डिडक्शन अगर अगर फोर्टी परसेंट से लेके एट्टी परसेंट तक की डिसेबिलिटी है फोर्टी परसेंट से लेके एट्टी परसेंट तक की डिसेबिलिटी है तो इट इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है लिमिट्स याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लिमिट्स है और अगर कोई भी बंदा एट्टी परसेंट से ज्यादा डिसेबल्ड है अगर एटी परसेंट से ऊपर की डिसेबिलिटी है तो आपको अमाउंट याद रखना है वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आई विल रिपीट अगेन काफी सिंपल है देखो ATDD का मतलब क्या है इट इज मेंटेनेंस ऑफ हु इज डिपेंडेंट ऑन तो आर थ्री रूल्स फॉर इट अगर फोर्टी परसेंट से कम की डिसेबिलिटी है तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है फोर्टी परसेंट से लेके एटी परसेंट की डिसेबिलिटी रहेगी तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड का डिडक्शन मिलेगा एंड अब एटी परसेंट की डिसेबिलिटी रहेगी तो वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का डिडक्शन मिलेगा इसके साथ एक डिडक्शन आता है वो भी बता देता हूं वो है हमारा 80u अगर हम 80u की बात करें तो जो हमारा असेसी होता है जो हमारा असेसी है वो असेसी खुद हैंडीकैप है अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा है कि 80dd जो भी असेसी रहेगा उस पे कोई डिपेंडेंट है और वो हैंडीकैप है एंड 80u में क्या है 80u में हमारा असेसी जो रहेगा खुद हैंडीकैप है अगर हम 80u की बात करें तो वो फिर से सेम है 40% वाला कंडीशन ऊपर वाला ही कंडीशन सेम कॉपी करेंगे हम नो no डिडक्शन तो 40% तक डिसेबिलिटी रहेगी तो नो no डिडक्शन 40% से लेके 80% की डिसेबिलिटी रहेगी तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा अगेन द रूल इज सेम 75000 और अगर 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी रहेगी तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा 125000 सो दैट इज दी डिडक्शन नंबर 5 एंड दैट इज एवेंटी फाइव थाउजें सिर्फ रखना है और एक अल्फाबेट याद रखने है इसमें पूरा का पूरा सेक्शन के सेक्शन में ही कवर होता है उसके बाद जो हमारा सिक्स नंबर का सेक्शन है दैट इज एटी एटी ई का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन तो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं एजुकेशन पर्प के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो जो भी एजुकेशन लोन पे आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा कोई भी लिमिट नहीं है जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे सारे के सारे अमाउंट पे आपको डिडक्शन जो है वो मिलने वाला है दट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद अगर हम सेवेंथ पॉइंट की बात करें तो सेवेंथ पॉइंट में हमारा सेक्शन है ए डबल टी ए ठीक है एबल टी ए दशन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट इन देश वॉट एवर में हम डिपॉजिट रखते हैं उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए आपको लिमिट याद रखनी है टेन थाउजेंड तो दस हजार से ज्यादा का इंटरेस्ट रहेगा तो टैक्सेबल बन जाएगा दस हजार तक का आपको डिडक्शन मिलेगा मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड का इंटरेस्ट मिला है तो दैट इज क्लेम्ड अंडर दी सेक्शन एटी डबल टी ए वहां पे आप क्लेम कर सकते हो एटी डबल टी ए के सेक्शन में एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स सो वी हैव स्टडीड टोटल सेवन सेक्शंस हमने टोटल सेवन डिडक्शंस को डिस्कस कर लिया है एकदम शॉर्ट में आपको मैंने सारे पॉइंट्स बताए अगर हम बात करें एटीसी की एटीसी में हमने फाइव पॉइंट्स को डिस्कस किया लिमिट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एटीपल सी में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट इन द पेंशन प्लान अगेन लिमिट बट एटीसी और एटी ट्रिपल सी दोनों का मिला के लिमिट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आपका हो जाएगा फिर हमने डिस्कस किया अबाउट दैट एटीडीम मेडिक्लेम में नॉर्मली नॉर्मल पर्सन रहेगा तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की लिमिट है एंड सीनियर सिटीजन अगर रहेगा तो फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट है फिर हमने डिस्कस किया एटी डबल डी एटी डबल डी और एटी यू आपको एक साथ याद रखना है एटी डबल डी में हमने डिस्कस किया कि जो भी मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप पर्सन होगा उसका अगर हम मेंटेनेंस कुछ कर रहे हैं और वो डिपेंडेंट होना चाहिए फोर्टी परसेंट से कम डिसेबिलिटी रहेगी तो नो डिडक्शन फोर्टी टू एटी परसेंट की डिसेबिलिटी रहेगी तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड

इस पूरे डिडक्शन में से आपको डायरेक्टली लिमिट्स याद रखनी है और वो अगर लिमिट्स आप प्रॉपरली याद रखोगे तो आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग में जो पॉइंट आते हैं वो इजी जाएंगे आई होप टूडेस लेक्चर यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग सो इसी तरीके से हम रिवाइज करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे थैंक यू वेरी मच अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें और चैनल पे पहली बार आयो तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे ही लास्ट मिनट रिविजन वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय टेक केयर